चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल, जो शादी पार्टी में आप खाते हैं उसी तरह की स्वादिष्ट दाल आज मैं बनाऊंगी। तो चलिए इसी की रेसिपी देखते हैं। यहाँ मैंने लिया है मूंग की दाल, जो कि मैंने धो के और 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। उसी के साथ मैंने यहाँ प्याज कटे हुए, अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटर, जीरा, हरी मिर्च, हल्दी, बेल लीव्स और यहाँ पे सूखे मिर्च लिए हैं एक, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, और नमक है स्वाद के अनुसार। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और उसी में मूंग दाल डाल के थोड़े देर के लिए फ्राई करूँगी। और इसे आप फ्राई कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। दाल भून चुका है, अब इसे कुकर में डाल देंगे और उसी के साथ नमक, हल्दी और दो सीटी आने तक उसे पकाएंगे। कुकर में दाल को डाल दिया है, अब इसे दो सीटी आने तक पका रहे हैं। यहाँ मैंने दाल को कुक करके, ये आप देख सकते हैं, यहाँ दाल रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसका तड़का बना रहे हैं। कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें डाल रही हूँ एक चम्मच घी। घी गरम हो गया है और उसमें डाल देंगे ये तेज पत्ते और लाल मिर्च, और जीरा भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ हरी मिर्च। अब इसमें कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इसे भून लेंगे। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आप डाल देंगे और डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट तक आप भून लीजिए ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। प्याज और अदरक लहसुन भून चुका है, इसमें अब टमाटर डाल देंगे और ये अभी से इसमें बहुत ही अच्छी घी की खुशबू आ रही है। हमको याद रहेगा प्याज जो है वो भून चुका है, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे कलर आने के लिए और उसी के साथ जो दाल है रेडी उसे डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच चीनी, जो कि मैं आप दाल बन के रेडी हो गया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें से गाइस बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दाल बन के रेडी हो गया है और आप चाहें तो ऊपर से भी इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं आप, जो कि और भी स्वाद बढ़ जाएगा इसका। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।